हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति। वेलकम टू इग्नो वायरस। आज का ये वीडियो एक स्टोरी वीडियो है। ये शायद लंबी हो सकती है, पर जिन लोगों का BSHF 101 कोर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 29 यूनिट्स की समरी को डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम जो हमारा BSHF 101 है उसकी Block 1 की Unit 1 स्टडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आज जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जो है हमारा सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन, फिर ह्यूमन बींग्स इंट्रोडक्शन सोसाइटी के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आता है हमारा ह्यूमन बींग्स एट द सेंटर ऑफ द स्टडी, कैसे हर एक स्टडी के सेंटर में ह्यूमन बींग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सम टूल्स टू इंक्वायरी द अनरावल मीनिंग, जो सोसाइटी का मीनिंग है उसको कैसे हम लोग अन्वेषण करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है सम लिमिटेशन इन स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ स्टडी में जो भी हमारा लिमिटेशन है वो उसको जानेंगे। सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सोसाइटी के बारे में कुछ जब स्टडी करते हैं तब कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देनी पड़ती है, जो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जो टिप्स टू नो, कैसे हम स्टडी को सोसाइटी के स्टडी को जानेंगे, इसलिए कुछ टिप्स दिया गया है, जैसे कि नॉलेज वर्सेस प्रोपागंडा। नॉलेज क्या है, प्रोपागंडा है। मेनी साइडेड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी, सोशल जो सोसाइटी का एक्चुअल रियलिटी है उसके जो साइड्स है, मतलब डिफरेंट साइड्स है उसके बारे में। फिर आता है टू एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स फॉर स्टडी, दो मुख्य उपादान सोसाइटी के स्टडी के लिए। फिर आता है गांधी जी की एडवाइस, सोसाइटी के बारे में गांधी जी ने क्या क्या एडवाइस दिया हुआ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी लोगों का एक समूह है। तो लोगों का हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ समाज में रहते हैं और अपनी ज़रूरतें समाज से पूरी करते हैं। तो सोसाइटी कितने तरह का है? दो टाइप ऑफ सोसाइटी, एक होता है सिंपल और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, जो सिंपल सोसाइटी है उसमें एक ही तरह के लोग रहते हैं, उनकी विचार, कल्चर, ड्रेस वो भी सब सेम ही होता है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोगों के रहते हैं, जिन लोगों का भी संस्कृति, रहन सहन, ड्रेस, विचारे वाल एक साथ, मतलब डिफरेंट टाइप के बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो नेशनल लेवल के होते हैं। जैसे कि हम इंडियंस, अमेरिकन्स, इंडियन में क्या बहुत सारे लोग रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बहुत सारे रिचुअल्स के लोग रहते हैं। तो फिर क्या आता है ना, द स्टोरी ऑफ सोसाइटी एक्वायर्ड डेफिनेट मीनिंग एंड सेफ इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के टाइम क्या है ना, उस टाइम में हमारा जो स्टोरी है वो मतलब एक इससे पहले क्या होती थी ना, स्टोरी के लिए फिलोसॉफी और डिबेट्स होती थी। पर क्या होता है ना, जो लोग बाहर से, मतलब जैसे बाहर से लोग उस टाइम में क्या करते थे ना, लोग घूमते थे देश के देश, जैसे परिव्राजक होते हैं ना, ट्रैवलर्स होते हैं वो लोग, क्या वो लोग एक जगह से दूसरे जगह को घूमते हैं। तो उनके मतलब उनके जो लिखा हुआ बुक्स है उनके ऊपर स्टोरी डिपेंड करती थी। तो 19th सेंचुरी के टाइम पर स्टोरी को एक डेफिनेट मीनिंग और सेफ मिली। फिर हमारा जो आता है पॉइंट, इमाइल दुर्किन
एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे जो कि सोसाइटी को एक रियलिटी इन इट्स ओन राइट्स बताए थे। तो क्या था ना, वो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे जो समाज को अपने आप में ही वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते थे। तो इमाइल दुर्किनिज्म, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे जो सोसाइटी को अपने आप में वास्तविक रूप में स्वीकार करते थे। ये जो थे ना, ये पहले मतलब इमाइल दुर्किनिज्म जो थे वो मतलब पहले ऐसे थे जिन्होंने क्या इमाइल दुर्किनिज्म ने पहले डिसिप्लिन मतलब एक अलग से सोसाइटी को स्टडी की थी। फिर हमारा आता है कि एनलाइटमेंट पीरियड है उनको आफ्टर द एनलाइटमेंट पीरियड न्यू एम्फासाइज अपीयर्ड इन द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। तो क्या हुआ ना, एनलाइटमेंट पीरियड अर्थात जागृति काल के बाद जो समाज मतलब एनलाइटमेंट पीरियड हम कह सकते हैं नो ऑन ऑफ रीजन जो फिज साइकोलॉजिकल हमारा जो मूवमेंट हुआ था टेक्स प्लेस यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ था ना, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो मूवमेंट हुआ था उस टाइम को हम एनलाइटमेंट पीरियड व जागृति काल के बाद वो बोलते हैं, जागृति काल उस टाइम को कहते हैं। तो उसके बाद सोसाइटी की मीनिंग पर जो है हमारा सोसाइटी की मीनिंग पर ज़्यादा महत्व दिया गया, ज़्यादा एम्फासाइज किया गया। तो कुछ लोग उसमें ऑर्डर यानी कि व्यवस्था ऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। नेक्स्ट आता है रेशनैलिटी एंड नेक्स्ट आता है मेटरलिज्म यानी कि भौतिकवाद। ऑर्डर यानी कि व्यवस्था, रेशनैलिटी यानी कि युक्तिसंगत तर्कसंगत और मेटरलिज्म यानी कि भौतिकवाद के ऊपर बल दिया था। तो क्या हुआ ना, सोसाइटी के डेफिनेशन अलग अलग हुए। आज दे आर मतलब तीन लोगों हमारा जो सोसाइटी के डेफिनेशन है इसके लिए हम तीन प्रकार की चिंताधारा जागृत हुई। तो इसके लिए क्या हुआ ना कि सोसाइटी की डेफिनेशन अलग अलग हुई। तो समय के साथ साथ बीतने के साथ साथ वैल्यू और ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस को महत्व दिया गया। तो क्या इम्पोर्टेंस हुआ उस टाइम, वैल्यू और ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस। वैल्यूज़ मतलब हमारा जो सोसाइटी के जो कुछ मूल्यबोध है उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं, और जो ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस कैसे ह्यूमन एक साथ रहते हैं, कैसे एक साथ रह पाएंगे अच्छे तरह से, उसके ऊपर उन्होंने क्या उस टाइम पे बल दिया था, महत्व दिया था। फिर आया मार्क्सिस्ट सोशल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिक्स। मार्क्सवादियों ने सोशल फॉर्मेशन, ये जो सोशल फॉर्मेशन है यानी कि जो मतलब व्हाट इज सोशल फॉर्मेशन, तो सामाजिक विरचना वर्ड को यूज़ किए थे। तो जो मार्क उस क्या होता है वो, तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स में कैसे सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है इसके बारे में उन्होंने समझाया है। सोशल फॉर्मेशन, सोशल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब कैसे चिंताधारा है, इकोनॉमिक मतलब कैसे हमारा जो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स मतलब हमारा जो राजतंत्र है वो कैसे थी, वो हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फिर आए हमारा सर एंटोनी गिडगेंस। उन्होंने क्या किया ना, सोशल सिस्टम किया। तो एंटोनी गिडगेंस ने सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक बारे में ज़्यादा कहना पसंद करते थे। वो थोड़ा मार्क्सवादी से डिफरेंट थे, तो उन्होंने मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी सोशल सिस्टम के। फिर हमारा आता है फॉर्मेशन ह्यूमन बींग एट द सेंटर ऑफ द सोसाइटी, सेंटर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। सो ह्यूमन बींग्स क्या थे, ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सो ह्यूमन बींग्स जो थे, एक मिनट।
तो ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स क्या थी? तो ह्यूमन बीइंग्स देखिए, ह्यूमन बीइंग्स ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ ऑल सोशल स्टडीज लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोसाइटी, मतलब सामाजिक विद्या के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट होता है उस सब का केंद्र होता है मानव। अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री में, तो हम पहले ही व्यक्ति थे जिन मतलब कि हमारे पहले जो व्यक्ति थे वो किन प्रकार की खाना खाते, कैसे रहते थे, हमारा ज्योग्राफी कैसे थे, तो हमारे मतलब कैसे डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अनुसार हम कितना डिफरेंट थे उस एरिया में। कुछ एरिया की मतलब पॉलिटिकल साइंस को जानेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हम व्यक्तियों के अधिकार के बारे में तो मतलब बात करते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, तो उन सब में क्या है ना, हम व्यक्तियों के केंद्र मतलब मनुष्य को केंद्र में रख कर ही हम बात करते हैं। जे आप सोशल साइंस की जितनी भी स्टडीज़ है ना, उसका सेंटर ह्यूमन ही है, क्योंकि ह्यूमन के बेस में उन सब सब्जेक्ट की क्या उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू आवर उपनिषद नॉलेज शुड एनेबल द लर्नर्स टू मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। क्या है ना, हमारा उपनिषद कहता है कि नॉलेज मतलब अंधेरे से आलोक की तरफ दिखाता है। नॉलेज होता है वो अंधेरे से लेकर आलोक की पर दिखाता है, पर नॉलेज हमेशा लोगों को आगे की तरफ लेने वाला, कभी कभी मतलब कभी कभी आगे की तरफ लेता है तो फिर पीछे भी ले आता है, जैसे कि सुपरस्टिशंस एंड रिलीजियस फियर, मतलब जो अंधविश्वास है और धार्मिक डर है, वो क्या होता है ना कि हमारे जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो भी थोड़ा थोड़ा सुपरस्टिशंस के बारे में, ताकि सुपरस्टिशंस के बारे में, फियर्स के बारे में ये मतलब क्या होता है, वो लोग भी बिलीव करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। तो फिर नेक्स्ट आती है मिस मैरी डगलस, जो डगलस द ग्रेटेस्ट लिविंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन यूके यूके मतलब मैरी डगलस जो है वो यूके की सबसे श्रेष्ठ लिविंग मतलब जिंदा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो केम टू सम कंक्लूजन व्हिच इज यूजफुल टू मेक मेक पॉलिसीज टू काउंटर द टेररिज्म। सो क्या होता है ना, सोसाइटी कैसे अपने आप को संगठित और कैसे लोगों को एक दूसरे के संपर्क स्थापन किया जाता है, इसके बारे में सेमिनार और रिसर्च के कुछ कंक्लूजन में पहुंचे थे मिस मैरी डॉगलॉस ने। तो वो क्या होता है ना, जो भी कंक्लूजन उन्होंने दिया था वो अभी टेररिज्म को प्रतिहत करने के लिए यूजफुल, जो पॉलिसीज बनाया गया है उसमें यूजफुल होती है। तो हम मेरी डॉगलॉस को याद कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो शायद एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा आते हैं नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की है जो कि एक अनुभवी अमेरिकन नॉलेज प्रोस्पेक्टिव अमेरिकन ऑब्जर्व है, जो कि अनुभवी अमेरिकी विज्ञान है। तो पुट स्ट्रेस ऑन नॉलेज, उन्होंने नॉलेज के ऊपर स्ट्रेस दिया है, बल दिया है, फ्रॉम डीजेनरेटिंग इनटू प्रोपेगंडा। प्रोपेगंडा यानी कि र्यूमर है, जो मतलब र्यूमर मतलब कुछ भी ऐसे विदाउट प्रूफ वो बोल दिए। फिर क्या हुआ ना, पहले हमने पारादीप एक बंदर है मतलब क्या पोर्ट है, तो एक इंसान ने लिखा कि नहीं वो एक बांदर है, बांदर, उन्होंने बोला कि बांदर तो कुछ नहीं हो सकता है, तो मतलब बंदर है। तो उन्होंने पारादीप, तो उन्होंने सोचा कि एक मतलब मंकी, तो उन्होंने लिखा कि नहीं वो पारादीप एक मंकी है। तो ये गलत हो गया ना, हमारे पास प्रूफ नहीं है पर फिर भी हमने बोल दिया, तो उसको हम रिमोर बोलते हैं, तो वो ही है प्रोपागंडा। सो क्या होता है ना, प्रोपागंडा, अकॉर्डिंग टू हिम टेररिज्म इज अ बिग डेंजर नॉलेज, मतलब टेररिज्म जो है वो अब के टाइम पर एक बड़ा सा डेंजर है, इसीलिए नॉलेज को हमको क्या करना है, प्रोपागंडा से दूर रखना है। ओके,
तो मतलब प्रोपागंडा से नॉलेज जनरेट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रेस दिया है। फिर नॉलेज शुड नेवर बी डाइवर्स फ्रॉम द हेल्दी क्रिटिसिज्म, नॉलेज को हम लोग क्या क्रिटिसिज्म से दूर नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे, फिर क्या होगा ना, ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगा, फिर आपको मतलब पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग और जो है मतलब इंक्वायरी एंड ऑनरेबल मीनिंग और लिमिटेशन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल में न्यू जुड़े हैं हुए हैं उनको प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन को दबाइए, मतलब अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कुछ जानने की अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए दिल से धन्यवाद।